संसद का शीतकालीन सत्र अगले सप्ताह से। केंद्र सरकार ने 18 विधेयक किए सूचीबद्ध। विधेयक में महिला आरक्षण के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी तक बढ़ाने संबंधी दो और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का आगाज आज। यात्रा के लाभार्थियों से पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बातचीत। आज पीएम मोदी देंगे 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे नियुक्ति पत्र। ये रोजगार मेला देश भर में 37 जगहों पर किया जाएगा आयोजित। विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में होने जा रहा सम्मेलन, दुनिया भर के देशों के राष्ट्र अध्यक्ष करेंगे शिरकत। गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता की रैली को किया संबोधित, बोले सीएए देश का कानून है, हम इसे लागू करके रहेंगे। बनर्जी सरकार नागरिकता संशोधन कानून सीएए का कर रही विरोध, बंगाल में धमाकों की गूंज। अन्य योजना पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गरीब कल्याण अन्य योजना 5 साल के लिए बढ़ी। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ाई योजना। झुंझुनू की रैली में पीएम मोदी ने किया था ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन, सोनिया गांधी ने की किताब लॉन्च। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रहे मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा आज, आ सकते हैं दिल्ली से जयपुर। मल्लिकार्जुन खड़गे की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में हुए थे शामिल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतदान में जुटे कर्मचारियों का जताया आभार। कहा गहलोत सरकार की योजनाओं से बड़ा मत प्रतिशत, प्रदेश की जनता का कांग्रेस की योजनाओं पर विश्वास। बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया ने सच बेधड़क से की बातचीत। कहा मतदान लोकतंत्र की मजबूती की निशानी, नए वोटर्स में पेपर लीक को लेकर आक्रोश। चीन में फैले सांस रोग को देखते हुए राजस्थान में शुरू हुई तैयारी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई वॉक ड्रिल, आपात स्थिति में निपटने के लिए सिस्टम की तैयारियों को परखा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 3.26 करोड़ मतदाता तय करेंगे 2,290 प्रत्याशियों की किस्मत। शाम 5 बजे तक कर सकेंगे मतदान। 13 नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग। समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाला दक्षिणी एशिया का पहला देश बना नेपाल। समलैंगिक विवाहों को सरकार से मिली रजामंदी के बाद थर्ड जेंडर समुदाय में खुशी का माहौल। पहला समलैंगिक विवाह हुआ रजिस्टर। अलवर से पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से निकाह करने वाली अंजू करीब 4 महीने बाद लौटी भारत। अंजू बुधवार को अटारी वाघा बॉर्डर से भारत में हुई दाखिल। मीडिया से बातचीत में उसने कोई भी कमेंट करने से किया इनकार। कहा मैं खुश हूं। हमास ने सीजफायर के 6ठे दिन 16 बंधक आजाद किए। इसराइल 30 फिलिस्तानियों को करेगा रिहा। सीजफायर आगे बढ़ेगा या नहीं, इस पर फैसला बाकी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी इसराइल पहुंचे, सीजफायर पर होगी चर्चा। जापान में अमेरिकी सेना का प्लेन क्रैश, हादसे में एक की मौत। टेक ऑफ के 7 मिनट बाद इंजन में लगी आग, समुद्र में गिरा, 6 लोग सवार थे। तमिलनाडु में चक्रवात और भारी बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात। भारी बारिश की चेतावनी के बाद विभाग दिखा एक्टिव। एनडीआरएफ टीमों को किया गया तैनात। मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही गुट यूएनएलएफएल ने छोड़ी हिंसा। केंद्र से शांति का किया समझौता। 16 दिन पहले बैन को 5 साल बढ़ाया गया था। मतगणना के ठीक पहले मध्य प्रदेश को मिली नई मुख्य सचिव। इकबाल सिंह की जगह बीरा राणा की तैनाती। बीरा राणा है मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव का पदभार संभालने वाली दूसरी महिला अधिकारी बनी। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने फिर की जमानत की मांग। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका। शराब नीति मामले में अदालत ने जमानत से किया था इनकार। मजदूरों के रेस्क्यू के बाद सीएम धामी ने मनाया इगास पर्व। सभी 41 मजदूर स्वस्थ, 48 घंटे मजदूर रहेंगे ऑब्जर्वेशन में।
ओलावृष्टि और बारिश का दौर थमते ही सर्दी ने छुड़ाई कपकपी राजधानी जयपुर में। बुधवार को रहा सीजन का सबसे सर्द दिन, जयपुर न्यूनतम तापमान रहा 13.7। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोटा यूआईटी एसईएन के ठिकानों पर एसीबी की रेड। अब तक 37 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी मिली। 29 करम कॉमर्शियल और आपसी भूखंड भी मिले। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में कैद। मतगणना के लिए मात्र 3 दिन शेष। प्रत्याशियों की भड़वी धड़कने, जुटे हार जीत के गुड़ा भाग में। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच एजेंसियों का एक्शन। सीकर में 2 कोचिंग संस्थानों पर आयकर की रेड, तो कोटा में यूआईटी एक्सईएन कमल मीना के ठिकानों पर एसीबी का छापा। जयपुर के मालवीय नगर में ट्रिपल मर्डर। झालाना कच्ची बस्ती में मां सहित 2 बच्चों की हत्या। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम। मामले की जांच की जा रही। चीन में फैली रेशमी बीमारी को लेकर राजस्थान में अलर्ट। एसएमएस अस्पताल में मॉक ड्रिल। सरकार की गाइडलाइन के तहत सभी तैयारियां पूरी। प्रत्याशियों का भाग का फैसला। ईवीएम में कैद, जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे नेता। जयपुर की हॉट सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जता रहे जीत की दावेदारी। अब परिणाम के बाद ही पहनेंगे पुष्पेंद्र पैरों में चप्पल। सभी पार्टियां करें चुनाव में अपनी जीत का दावा। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने भी प्रदेश में किया बीजेपी की जीत का दावा। कहा, बीजेपी प्रखंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही, वही नेता का चुनाव पार्लियामेंट्री बोर्ड रहेगा। चुनाव की मतगणना के लिए दौसा जिले में दिया गया प्रशिक्षण। मतगणना के लिए 494 कर्मियों ने प्रशिक्षण में लिया भाग। ईवीएम पोस्टर बैलेट के बारे में दी पूरी जानकारी। सीकर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अस्पतालों में की मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल कर उपलब्ध संसाधनों की जांच और स्थिति का लिया जायजा। सीएमएचओ डॉक्टर निर्मल सिंह ने की एसके अस्पताल की मॉक ड्रिल। धौलपुर में पत्थर की खान में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को रखवा है अस्पताल की मोर्चरी में। सरमथुरा उपखंड में बड़ापुरा गांव के पास की है घटना। पुलिस कर रही मामले की जांच। अलवर में शराब के नशे में तीसरी मंजिल से नीचे गिरा युवक। एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में कराया भर्ती। घायल राजेंद्र का अस्पताल में इलाज जारी। कोटा सीएमएचओ ने सामुदायिक चिकित्सालय में किया मॉक ड्रिल। एवियम इन्फ्लुएंजा चाइनीज वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा प्रबंधन को लेकर अलर्ट कर रहने के दिए निर्देश। रैंडम सैंपलिंग करने के दिए आदेश। सीकर के खाटू श्याम जी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरीवास ने किए श्याम बाबा के दर्शन। बाबा श्याम के दर्शन कर मांगी जीत की मन्नत। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरीवास ने किया स्वागत। डेंगू से बीएसएफ जवान हनुमान सहाय मीणा की मौत। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुआ था बीमार। जैसलमेर में निमोनिया को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी। बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन। अतिरिक्त मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने ली व्यवस्थाओं का जायजा। तैयारियों को लेकर उच्च अधिकारियों की हुई बैठक। सिरोही के माउंट आबू में हिल स्टेशन में बारिश के बाद बड़ी सर्दी। आसमान में बादलों की आवाजाही जारी। दूसरे दिन शहर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज, तो वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर। झुंझुनू में कड़ी सुरक्षा में हो रही ईवीएम की निगरानी। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा। मुख्य द्वार पर पुलिस का कड़ा पहरा। 3 दिसंबर को होगी विधानसभा चुनाव की मतगणना। झुंझुनू में निमोनिया को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। संसाधनों की जांच को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। जिले के सभी अस्पतालों में किया गया मॉक ड्रिल। दवाइयां, संसाधनों, ऑक्सीजन व्यवस्थाओं की गई समीक्षा।
डूंगरपुर में कंटेनर एक कार को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवक की मौत, 3 मृतक, आपस में चचेरे भाई, पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया। सिरोही के आबू रोड में छुरी लेकर घूम रहे 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों से 2 छुरी की बरामद, गिरफ्तार एक आरोपी आपराधिक घटनाओं में शामिल, पुलिस कर रही दोनों आरोपियों से पूछताछ। सिरोही के शिवगंज में 2 बाइकों की टक्कर में 1 युवक की मौत, 1 घायल युवक की हालत गंभीर, हादसे में कुल 6 लोग हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चाकसू से कांग्रेस उम्मीदवार वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा, चेक बाउंस मामले में वहरोड ACJM सिंह कोर्ट ने सुनाया फैसला, सोलंकी को 55 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जयपुर के शाहपुरा में पुलिस का दूसरा चेहरा भी आया जनता के सामने, हेड कांस्टेबल ने बस स्टैंड पर जमकर मचाया उत्पात, रामनिवास लाठर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, जीप ड्राइवर, चाय की दुकान चलाने वाले और आम जनता से की मारपीट। ब्यावर में जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ परिवाद दर्ज, सिटी थाना पुलिस करेगी जांच, मेडिकल बोर्ड से कराया महिला का पोस्टमार्टम, PMO द्वारा गठित कमेटी ने शुरू की जांच। चुनाव के आने वाले नतीजे को लेकर प्रशासन अलर्ट, जोधपुर में मतगणना दलों को दिया गया प्रशिक्षण, प्रशिक्षण में लगभग 750 मतगणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर और मतगणना सहायक ने लिया भाग। चीन में फैल रहे सांस रोग को लेकर अजमेर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर, संयुक्त निदेशक ने चिकित्सकों को के साथ की विशेष बैठक, चिकित्सकों को दिए विशेष दिशा निर्देश, डॉक्टर अरविंद खरे ने कहा विभाग वायरस से निपटने के लिए तैयार। 3 दिसंबर को मतगणना को लेकर बीकानेर में दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण, मतगणना स्थल पर होगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, रिटर्निंग अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। कोटपुतली के विराटनगर में एसटीसी शिविर में स्काउट्स प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, प्रशिक्षण शिविर में 64 संभागियों ने किया लिया हिस्सा, स्काउट संबंधित विभिन्न विधाओं का दिया गया प्रशिक्षण। चुनाव के दौरान टोंक जिले के 19 पुलिस थानों में हुड़दंग का मामला, बूथ पर हुड़दंग करने वाले 6 जनों के खिलाफ मामला दर्ज, BLO ने करवाया मामला दर्ज। धौलपुर में चुनाव के बाद लगातार बढ़ रहे झगड़े और हमले के मामले, धीमरी गांव के पास शादी का सामान ले जा रही गाड़ी पर हुआ पथराव, 2 लोगों ने मौके से भागकर बचाई अपनी जान, पुलिस कर रही मामले की जांच। भीड़वाड़ा में नहरी परियोजना के कोलिया पंप हाउस पर बदमाशों ने बोला धावा, पंप ऑपरेटर के साथ मारपीट कर चुरा ले गए 2 ट्रांसफॉर्मर, चोरी की वारदात को अंजाम देने आए 15 से अधिक बदमाश। हिंडौन सिटी में मासलपुर थाना पुलिस ने मानवता की मिसाल की पेश, गरीब चाय वाले की बेटी की शादी में 2,82,000 रुपए का भरा मायरा, लोग पुलिस की कर रहे सराहना। सीकर में 2 निजी कोचिंग संस्थान में इनकम टैक्स की कार्रवाई, मैट्रिक्स कोचिंग और गुरु कृपा कोचिंग में इनकम टैक्स की रेड, पिपराली रोड पर 2 निजी कोचिंग संस्थान में कार्रवाई। खैरथल के भिवाड़ी टोल पर गुंडों का आतंक, टोल कर्मचारी से गुंडों ने की मारपीट, फास्टैग काटने को लेकर टोल कर्मचारी से की मारपीट, पीड़ित ने थाने में दी रिपोर्ट। भीलवाड़ा में अज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर की में की तोड़फोड़, मूर्ति तोड़ने पर ग्रामीणों में आक्रोश, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर निकाली यात्रा आज पहुंची फालौदी, सनातन प्रेमियों के साथ राष्ट्रभक्तों ने यात्रा का किया भव्य स्वागत, बागेश्वर धाम से तानोद जैसलमेर तक यात्रा तय करेगी सफर। व्यानी संस्था समूह ने आयोजित किया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रोफेसर माथुर ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उद्योग एकेडमिया सहभागिता के साथ प्रावधान मौजूद, उद्योग एकेडमिया सहभागिता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रोफेसर इन प्रैक्टिस के पद पर किया सृजन। चाकसू में शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में BSF जवान का निधन, अचानक तबियत बिगड़ने पर इलाज के दौरान हुई जवान की मौत, BSF 166 बटालियन जम्मू कश्मीर में था कार्यरत।
अलवर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सरिस्का में टाइगर आया टूरिस्ट के जिप्सी के सामने। टाइगर को देखकर टूरिस्ट हुए गदगद। टूरिस्ट ने टाइगर के फोटो और वीडियो कैमरे में किए कैद। डूंगरपुर में कैलू पोष मकान में लगी आग। कैश जेवर और जुर्मान चलकर खाक आग में झुलस कर दो बकरियों की मौत। टोंक के गांव केदारा में शमशान के रास्ते में भरा पानी। शव को मजबूरन ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर पहुंचे शमशान। लोगों ने कहा कई बार प्रशासन को करवाया गया मामले से अवगत, लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई। सिकराय में अनियंत्रित होकर जीप पेट्रोल पंप की दीवार से टकराई। हादसे में जीप सवार 3 लोग हुए घायल। घायलों को सिकराय अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांसवाड़ा की राती तलाई में सुने मकान में चोरों ने बोला धावा। स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़ा, वहीं 2 चोर मौके से हुए फरार। लोगों ने धुनाई कर चोर को पुलिस को सौंपा। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट्स ने किया सुसाइड। कमरे में पंखे से लटक कर लगाई फांसी। परिजनों के मुताबिक पढ़ाई को लेकर परेशान चल रहा था छात्र। मामले की जांच जारी। उदयपुर में युवक पर दिनदहाड़े फायरिंग। युवक के पैर में लगी गोली। फायरिंग के बाद बदमाश हुए फरार। गुलाब बाग रोड पर हुई फायरिंग की घटना। सूरजपुर पुलिस कर रही मामले की जांच। खैरतल में बारात में हुए झगड़े के दौरान फायरिंग। करीब 1 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग। एक व्यक्ति की मौके पर ही हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बाड़मेर के चौहटन में कोनरा फाटा पर स्कॉर्पियो पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत। अनियंत्रित होकर खाई में जाकर गिरी स्कॉर्पियो। चीनी बीमारी को लेकर जोधपुर में अलर्ट। मेडिकल कॉलेज की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियों को परखा गया। सवाईमाधोपुर में चीतों के घर कूनो पहुंचा रणथंबोर का टाइगर। राजस्थान में मध्य प्रदेश पहुंच गया टाइगर। T136 टेरिटरी के फेर में रणथंबोर में निकला टाइगर। वापस लाने के प्रयास नहीं किए जा रहे। सिरोही के आबू रोड में चांदमारी के वीर बाबा मंदिर के पास पुलिस की कार्रवाई। छुरी लेकर घूम रहे 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 छुरी की बरामद। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में बदला मौसम। जयपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। भरतपुर जयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना। कोटपुतली में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम का मिजाज। 2 दिन बाद हुए सूर्य देव के दर्शन। मावठ होने के कारण किसानों के खिले चेहरे। रबी की फसल को मावठ के कारण फायदा। झालावाड़ के डग क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हुए लोग। बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। चाय की दुकानों पर लगी भीड़। सिकराय में छाई कोहरे की परत। बूंदाबांदी के बाद सर्दी में बढ़ोतरी। स्कूली बच्चे परेशान। किसानों के चेहरे पर खुशी की झलक। गेहूं चना और सरसों में अमृत की तरह बूंदाबांदी करेगी काम। सिरोही के आबू रोड में बारिश के बाद वादियों में छाया हल्का कोहरा। ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या में भी आया बदलाव। चाय थड़ियों पर लोग अलाव जलाकर सर्दी से कर रहे बचाव। कोटा की टावर सहित ग्रामीण अंचल में भी छाया कोहरा। पिछले 3 दिनों से मौसम बदलने से बड़ी सर्दी। किसानों के खिले चेहरे। फसलों के लिए फायदेमंद मौसम। टोंक जिले के कई उपखंड में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। कपकपाती सर्दी में लोगों ने अलाव का लिया सहारा। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र में छाया घना कोहरा। सड़कों पर परेशान हो रहे लोग। किसानों ने रबी फसलों को बताया फायदेमंद। जोधपुर के फलौदी में चारों ओर पसरा कोहरा। सड़कों हाईवे पर लोग परेशान। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। बारा के शाहबाद में छाया कोहरा। मावट गिरने से बड़ी सर्दी। हाँ बाजारों से गायब हो गई चाय की दुकानों पर लगी भीड़। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। पाली के सुमेरपुर में दूसरे दिन भी वातावरण में छाया घना कोहरा। वाहन चालक हुए परेशान। हेडलाइट जलाकर कर रहे सफर। आसमान में छाए काले घने बादल।
अनूपगढ़ के गढ़साना में बड़ी ठंड, दिन और रात के तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग का कोहरे का अलर्ट, ठंड बढ़ने के साथ ही बड़ी गर्म कपड़ों और बिस्तरों की मांग। झुंझुनू में बरसात के बाद बड़ा सर्दी का असर, जिले के ग्रामीण इलाकों में दिखा कोहरा। बदले मौसम के बाद हवा में बड़ी ठंडक, सर्दी बढ़ने से फसलों को फायदा। सिरोही में सुबह शाम को पड़ रही कड़ाके की ठंड, दिन में बढ़ जाता है तापमान। घटते बढ़ते पारे में बीच बीमारियों का बढ़ रहा अंदेशा, चिकित्सा महकमा हुआ अलर्ट। पौष में बीमारियों से निपटने की तैयारी। भीलवाड़ा के बनेड़ा में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रेलर की आपस में भिड़ंत। दुर्घटना में कार सवार 3 लोग हुए घायल। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में रॉन्ग साइड आकर पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो सवार पिता पुत्र समेत ड्राइवर घायल। करीब 2 लाख रुपए की प्याज खराब। जोधपुर में डंपर ने व्यक्ति को कुचला, चालक डंपर लेकर मौके से वो फरार। ग्रामीणों ने दूसरा डंपर रोककर किया आग के हवाले। मौके पर पहुंची दमकल ने पाया आग पर काबू। जयपुर के चोमू में कार और टेम्पो की भिड़ंत में कार चालक की मौत। पुलिस ने शव को रखवाया अस्पताल की मॉर्चरी में। बीजेपी प्रत्याशी रामलाल शर्मा भी पहुंचे अस्पताल। मृतक के परिजनों को बताया टांडस। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र में ट्रक के हवाले हुआ ट्रक। त्रिनेत्र चौराहे के पास चलते ट्रक में लगी आग। सूचना पर पहुंची नगर पालिका की दमकल। प्रतापगढ़ में निजी स्कूल की बस में चपेट में आया मासूम। हादसे में स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत। बस से उतरते समय हुआ हादसा। पाली के सुमेरपुर में वीडियो कोच, बस और ट्रेलर के बीच टक्कर। दुर्घटना में करीब 10 यात्री गंभीर रूप से घायल। घने कोहरे के चलते हुए हादसा। अजमेर में पिकअप की टक्कर से घायल बालक ने तोड़ा दम। टक्कर में घायल हुआ था 17 साल का बालक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज। राजसमंद के अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 17 यात्री गंभीर रूप से घायल। 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में किया रेफर। ब्यावर में प्रसव के बाद बिगड़ी विवाहिता की तबियत। अजमेर जनाना अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप। पीएमओ ने गठित की जांच कमेटी। नसीराबाद के पास मोदीपुरा गांव के जंगल में मिली 10 साल के बच्चे की लाश। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान। हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। सदर थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। भिवाड़ी के मनसा चौक में शराब के ठेके के पास मिला मजदूर का शव। शव मिलने से बना दहशत का माहौल। मामले की जांच कर रही पुलिस। अजमेर में ऑस्ट्रिया नागरिक की मौत का मामला। पुष्कर थाना पुलिस ने शव का करवाया पोस्टमार्टम। एमएससी के प्रतिनिधियों और मृतक की पत्नी को सौंपा शव। 19 नवंबर को हुई थी ऑस्ट्रिया निवासी हेड्रिक्स की मौत। कोटा में कोचिंग सिटी में स्टूडेंट के सुसाइड का मामला। स्टूडेंट सुसाइड मामले में संस्थान को नोटिस। कलेक्टर ने 30 दिन में जवाब मांगा। भरतपुर के NH21 ट्रक में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर पाया काबू। सुबह फिर से ट्रक में सुलगी आग। ट्रक चालक मौके से गायब। टोंक में जुआ खेलते 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 30,300 रुपए की राशि जब्त। थाना प्रभारी ओम प्रकाश के नेतृत्व में कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुलिस ने किया चोरी के मामले का खुलासा। 4 नाबालिग को किया निरुद्ध। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल किए बरामद। धौलपुर के पहाड़ी में कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। हत्या के प्रयास के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। 5 साल से फरार चल रहे थे आरोपी। शांति भंग के आरोप में अन्य 4 लोग भी गिरफ्तार। भरतपुर में भुसावर पुलिस को 2 महीने बाद मिली सफलता। आबकारी के मामले में युवक गिरफ्तार। अवैध शराब ले जाते समय फरार हुआ था युवक। संबंधित अदालत में किया गया पेश। झालावाड़ के खानपुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जताया विरोध। भेदभाव के साथ जलापूर्ति करने का लगाया आरोप।
अलवर के खेड़ली कस्बे में कई दिनों से क्षतिग्रस्त पड़ा विद्युत पोल, अधिकारी और कर्मचारी नहीं कर रहे सुनवाई। शहर के मुख्य मार्ग पर हादसे को दे रहे न्योता विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश।